सरस्वती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूँ। पहलवान गुरुदेव प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभागार में सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश झा जी, विधि विभाग के एचओडी कमलेश जी, डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर विनोद रजत जी और हमारे सामने बैठे हुए महाविद्यालय के विद्वान शिक्षकगण, एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के और हर छात्र एवं विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों को आज के इस दिवस की, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। महात्मा गांधी कैसे बने, बात उस समय की है। उस समय तो संसाधन भी नहीं थे, ना कोई लोकतंत्र था, ना कोई संविधान था, सिर्फ राजतंत्र था। उस समय अंग्रेज अपने मन के कानून बनाते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से लगान में सुनते थे और यहाँ की जनता का बहुत शोषण करते थे। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो विदेशों में जाकर के शिक्षा लिए थे, वहां के बारे में जाने थे, वहां के संविधान को पढ़े, वहां के इतिहास को पढ़े, वहां से जब वापस अपने देश में आए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयालु थी, विकराल थी। इन सब को देखते हुए बहुत से लोग सत्याग्रह की आंदोलन किए, उसी में से हमारे देश के महात्मा गांधी जी भी थे। उन्होंने शांति का परिचय दिया, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखा, सत्य अहिंसा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अंग्रेजों का विरोध उन्होंने किया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह का आंदोलन भी किया था, दांडी का मार्च भी निकाला था। उन्होंने कभी उग्र आंदोलन नहीं किया था, कभी किसी से मारपीट नहीं की थी। उन्होंने अंग्रेजी सवानों का त्याग किया था, अंग्रेजी हुकूमत का त्याग किया था। जब उस समय बिना किसी संसाधन के, बिना किसी लोभ लालच के इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा जनादेश अपने पीछे उखड़ा कर सकते थे और उखड़ा किए थे, तो आज हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना है। अगर आप लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो आपके घर वालों का भी नाम होगा, महाविद्यालय का भी नाम होगा, हमारा भी होगा। महाविद्यालय का स्टाफ ने भी बताया अलग अलग टॉपिक के बारे में, अलग 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 विषयों के बारे में बताया, समझाया। उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे और कुछ न कुछ अपने अंदर उसको उतार लेंगे, उसका आत्मसात कर लेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि अपने ललितपुर जनपद का नाम रोशन जनपद ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में हो। बहुत से छात्रों का भी सम्मान किया गया है और भी छात्रों से उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में पढ़ लिख करके अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को पुनः गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।